हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू। सबसे पहली बात, आज का जो लेक्चर है मैथमेटिकल टूल्स हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। और ऐसे बच्चे जो कि टेंथ का एग्ज़ाम दे करके अभी बैठे हैं, खास करके अभी बहुत ही क्रिटिकल टाइम चल रहा है, चूँकि अभी आपका लॉकडाउन है एक महीने से पूरा हिंदुस्तान, और अभी कितने दिन लॉकडाउन रहेगा ये भी अभी कहना मुश्किल है। इस वजह से जो बच्चे टेंथ का एग्ज़ाम दे करके बैठे हैं, ये उसके लिए विशेष हमारा लेक्चर है, उसके लिए विशेष ये वीडियो है। हम इसमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहली बात है कि ये डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि फिजिक्स को सीखने के लिए कुछ मैथ का जानना निहायत ज़रूरी है, जिसके बिना फिजिक्स सीखा नहीं जा सकता है। और फिजिक्स कमज़ोर होने का वजह यही होता है कि मैथमेटिक्स की थोड़ी जानकारी नहीं होना। ऐसा नहीं कि मैथ का विद्वान होना ज़रूरी है, सो बात नहीं है, लेकिन कुछ जानकारी मैथ की निश्चित रूप से होनी चाहिए। इसलिए कि फिजिक्स का डिफिनेशन ही है मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ये हमने यहाँ लिखा भी है, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स की भाषा से हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। तो आप समझिए कि जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि हम इंग्लिश के विद्वान हैं, जरा सा ए बी सी डी में दिक्कत है, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वही बात होगी कि आप कहिएगा मेरा फिजिक्स तो बहुत अच्छा है लेकिन हम मैथमेटिक्स कुछ नहीं जानते हैं। तो मैथमेटिक्स का विद्वान होना भी ज़रूरी नहीं है, मात्र एक सप्ताह अगर आप मेहनत कर दीजिएगा इस पर तो आपका फिजिक्स हमेशा मजबूत रहेगा, कभी कोई दिक्कत मैथ में होने वाला नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि हायर वैल्यू, आपको साइन 120 का मान निकालना है, साइन 180 का मान निकालना है, कॉस 120 का वैल्यू निकालना है, कॉस 180 का वैल्यू निकालना है, कॉस 150 का वैल्यू निकालना है, साइन 330 का वैल्यू निकालना है, कॉस 330 का वैल्यू निकालना है, साइन 360 का वैल्यू निकालना है। हम ऐसे वैल्यू पर हम बात करेंगे जिसको आप आराम से, अगर आप 10 मिनट ठीक से आप देखें हमारे वीडियो को, 10 मिनट लेक्चर आप ध्यान से सुने, तो आप आराम से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो तरीका है, जो इसके लिए टेक्निक है, कि यहाँ पर देखिए हमारे पास चार क्वाड्रेंट होता है मैथमेटिक्स में। यह कौन सा क्वाड्रेंट है? यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यह कौन सा क्वाड्रेंट है? यह सेकेंड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये कौन सा है साहब? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसके लिए आपको याद रखने का एक हम ट्रिक बता रहे हैं, आप इस लाइन को याद रखिएगा, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, मतलब समझ रहे हैं, एड शुगर टू कॉफी मतलब कॉफी में चीनी डालिए, ऐड करिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। और ये इसलिए दे रहे हैं, ये याद रखने का तरीका इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर ए का मतलब हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ए का मतलब हुआ ऑल पॉजिटिव, ए फॉर ऑल, इसमें सभी पॉजिटिव होगा, सारा वैल्यू इसमें पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, शुगर का मतलब यहाँ पर एस से है तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और एस फॉर साइन, साइन जो होगा ये इसमें पॉजिटिव होगा, ये मतलब साइन का घर है, समझिए ऐसा, ठीक है। और टी फॉर टेन, इसलिए यहाँ पर जो है ये टेन पॉजिटिव होगा। और सी फॉर कॉस, ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और इसमें जो है कॉस पॉजिटिव होगा। तो यहां देखिए, याद रखने का तरीका, एड शुगर टू कॉफी, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन पॉजिटिव, यहां पर टी फॉर टेन पॉजिटिव, सी फॉर कॉस पॉजिटिव। तो इस तरह से इसको याद रखना है, इसमें सभी पॉजिटिव, ये समझिए इसमें सारा पॉजिटिव होगा, मतलब ये सरकारी घर है, मतलब धर्मशाला है ना, ये सरकारी घर है, इसमें सारा पॉजिटिव होगा, जो भी आएगा ये सबका इसमें अधिकार है, सभी पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसमें सभी पॉजिटिव होगा, इसमें साइन पॉजिटिव होगा,
इसमें टेन पॉजिटिव होगा और इसमें कॉस पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात, जैसे साइन का जो उल्टा होता है ना, साइन का जो उल्टा होता है, क्या साइन का उल्टा जो होगा वन बाय साइन, जैसे कोसेक होता है, टेन का कॉट हो गया, कॉस का सेक हो गया, तो यह भी पॉजिटिव होगा। इसका जो उल्टा है वह भी पॉजिटिव होगा, मतलब समझ लिए कि उसका जो सहगुतिया है वो भी पॉजिटिव होगा। ये समझ गए ऐसे? तो इस तरह से इसको हमको याद रखना है, और ये बहुत ही जरूरी है सबके लिए, जो टेंथ का एग्जाम दे करके भी बैठे हैं, ये टाइम बहुत ही क्रिटिकल है, उनके लिए भी जरूरी है। और जो बच्चे 11 से 12 में जा रहे हैं, अगर उनका कुछ मैथमेटिकल पोर्शन कमज़ोर है या अगर फिजिक्स समझने में दिक्कत होती है, तो दिक्कत होने का कारण बस यही है। और थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे, जान लेंगे मैथमेटिकल टूल्स को, तो फिजिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और ख़ास करके जो बच्चे मेडिकल नहीं कर पाते हैं, मेडिकल नहीं करने का कारण होता है फिजिक्स का कमज़ोर होना, और फिजिक्स कमज़ोर होने का कारण होता है बस यही कुछ चीज़ का मैथमेटिक्स का जानकारी नहीं होना, इस वजह से ऐसा होता है। आई बात समझ में? तो इस बात को जो है सो ध्यान में रखना है, इसी के कारण जो है फिजिक्स कमज़ोर होता है। तो कुछ बात को अगर हम लोग पढ़ लें, और ऐसा नहीं कि मैथ का विद्वान बनाना आपको हम चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम मैथ का विद्वान बना देंगे, हम भी बहुत मैथ से नहीं जानते, गरीब आदमी हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी बात को आप जान लेंगे तो आराम से सब कुछ होगा। और ख़ास बात यह है कि मैथ वाले जो आपको पढ़ाएंगे उसमें ज़्यादा रूल रेगुलेशन, ज़्यादा उसमें नियम कानून वो बताएंगे, तो उसमें बहुत समय लगता है, और हम आपको बहुत छोटे टाइम में, बहुत कम से कम टाइम में, छोटा मेथड में ट्रिक के साथ आपको हम बता देंगे। और मैथ वाले लंबा चौड़ा हिसाब किताब लगाएंगे आपको समझाने का, तो उसमें समय लगेगा। दूसरी बात है कि जैसे कुछ चीज़ है, जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, इसलिए जो मैथ वाले हैं वो भी गलत फहमी में ना रहे हैं, इसलिए कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सभी चीज़ जो मैथमेटिकल टूल्स का है, ये मैथ की बात करें तो ये 12 के सिलेबस में है, और 12 में आपको मैथ वाले सर पढ़ाएंगे, तो पता चलेगा 12 में जब तक पढ़ाएंगे, वो भी कहीं लास्ट में पढ़ाए, तो तब तक जो है फिजिक्स पूरा साफ हो चुका रहेगा, फिजिक्स ख़त्म हो चुका रहेगा। तो मैथ में जब पढ़ाई होगी तब तक फिजिक्स आपका पूरा निकल चुका रहेगा, इसलिए मैथ के भी जो बच्चे हैं वो भी गलत फहमी में ना रहें, उनका भी काम हमसे ही होगा, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए। और अगर मुश्किल से कुछ दिन मेहनत कर लेते हैं आप, तो फिर फिजिक्स अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता है, और नहीं तो किसी की मत पर अच्छा नहीं होगा, दोनों बात कहते हैं। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, अगर मैथमेटिक्स साफ खत्म है तो फिर फिजिक्स अच्छा नहीं हो सकता है, और ऐसा भी नहीं कि मैथमेटिक्स का विद्वान होना जरूरी है, सो बात नहीं है, हम भी गरीब आदमी ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन आपको हम कम से कम समय में आपको हम जितनी जानकारी दे देंगे ताकि आपको फिजिक्स में कोई कष्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए ये टेस्टेड है, और खास करके जो मैथमेटिकल टूल्स है वो फिजिक्स के आदमी ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं। कई ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में जो है हमने पढ़ाया, वहाँ पर मैथ के सर पहले पढ़ाते थे, लेकिन फाइनली हम ही को पढ़ाना पड़ता था, तो इसलिए ये टेस्टेड है कि फिजिक्स वाले जो है, और हम फिजिकल अप्रोच उसका लेंगे कि किस तरह से फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन होता है, ये सबसे बड़ी बात है कि फिजिक्स में किस तरह से इसका एप्लीकेशन होता है, कहाँ पर क्या आएगा, वो फिजिक्स वाले को पता है, वो मैथ वाले को पता नहीं होता कि फिजिक्स में क्या सिचुएशन आता है ज़्यादातर, वो तो फिजिक्स वाले को पता होता है, इसलिए इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखें। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने कहा ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। अब जैसे कोई भी वैल्यू निकालना है, जैसे मान लीजिए सपोज साइन 120 का वैल्यू निकालना है, कुछ भी, जैसे मान लीजिए टेन 225 का वैल्यू निकालना है, कॉस 150 का वैल्यू निकालना है, जैसे टेन 240 का वैल्यू निकालना है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए सब वैल्यू आपको निकालना है। जरा ध्यान से देखिए, अब जैसे अब करना है आपको क्या है, पहले तो यहाँ समझिए कि जैसे साइन 120 है, साइन 120 है, तो करना क्या है इसमें, आप इसको 180 के आसपास आप ये देखिए कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 180 में घटा करके या जोड़ करके क्या लिख सकते हैं। 120 है तो इसको 180 में घटा के या जोड़ के क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन 180 माइनस 60, साइन 120 हो गया, ऐसा तो लिखा जा सकता कि नहीं लिखा जा सकता, ऐसा तो लिखा जा सकता, ठीक है, ऐसा लिखने में कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, लिख सकते हैं।
तो पहले इसको ऐसा लिख देना है। अब ये देखिए कि साइन 120 जो पड़ा आपका, ये किसका, किस घर में पड़ा, यहां पर देखिए ये साइन के घर में पड़ा, इसलिए कि यहां पर ये देखिए, ये आपको पता है ये जैसे 0 हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया, और यहां पर ये 270 हो गया, और यहां पर 0 के बाद फिर ये 360 भी आपका हुआ इस तरह से। तो 90 के बाद वाला है ये इधर, तो ये किस क्वाड्रेंट में पड़ा आपका, सेकंड में पड़ा, तो ये किसका घर है, साइन का घर है ना, साइन का घर है, तो ये ऑलरेडी साइन का जब घर है तो साइन ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। तो सिंपली यहां पर जैसे साइन 180 माइनस 60 हो गया, तो आप इसको साइन 60 लिख दीजिए। 180 में जब भी हम प्लस माइनस करेंगे तो ये साइन है तो ये साइन रहेगा, कॉस होगा तो कॉस रहेगा, सिर्फ चिन्ह को देखना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर 180 में हम प्लस माइनस करते हैं तो कोई बदलाव इसमें नहीं होगा, साइन है तो साइन होगा, कॉस है तो कॉस होगा, ठीक है। तीस का वैल्यू साइन 60 के बराबर हो गया, और चिन्ह पॉजिटिव इसलिए होगा कि ये साइन का घर है, ये किसका घर है, साइन का घर है, ठीक है, समझे इसको। जैसे फिर यहां देखिए, अब यहां पर 225 है, अब यहां पर हमको ये देखना है किसको हम 180 में प्लस माइनस करके क्या लिख सकते हैं। 180 में प्लस माइनस करके क्या लिख सकते हैं, 225 को क्या लिखने का तरीका होगा, 180 में प्लस माइनस करिए, हमको 225 पूरा करना है, तो प्लस क्या जोड़ दें इसमें, ताकि ये जो है 225 हो जाएगा, 45 जोड़ने से होगा, देख लीजिए, हो गया, देख लीजिए, है ना, 5 है ना, 8 4 12, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आ गया, कोई दिक्कत इसमें। तो हमने क्या कहा कि 180 में जब प्लस माइनस करते हैं, पहले तो ये 1045 है तो ये 1045 हो जाएगा, है ना, 180 में जब प्लस माइनस करेंगे तो 10 है तो 10 ही रहेगा, और जब भी हम प्लस माइनस करेंगे तो 180 में ही करेंगे या 360 में करेंगे, 360 में प्लस माइनस करने से भी ये चीज़ चेंज नहीं होगा, 10 का 10 रहेगा। 270 में प्लस माइनस करेंगे तब फिर चेंज होता है, और 270 वाला मामला आपको नहीं यूज होगा, आपको फिजिक्स में कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 180 और 360 से काम चला सकते हैं, है ना। वही मैथ वाले सर बताएंगे 270 लेके बताएंगे, हालांकि उसमें कन्फ्यूजन होता है, और मैथ वाले ज़्यादा बताएंगे, ज़्यादा रूल लगे से उनको आता है, आपको कभी इसमें 270 प्लस में प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका 180 और 360 से काम होगा। इसलिए हमने कहा कि हम इजी मेथड बताएंगे जो सबसे आसान हो, ताकि बायो वाले भी गरीब बच्चे होते हैं उनको भी समझ में आना चाहिए बात, है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो है 1045 हो गया। अब 1045 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। साइन 60 का वैल्यू पता है कितना होता है, 106। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है ना, ये वैल्यू आपको पता है। फिर यहाँ पर देखिए आप, जैसे कॉस 150 का वैल्यू हमको निकालना है, तो फिर 180 में हम प्लस माइनस करके देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ बोलिए, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 150 है, 180 में क्या करेंगे बोलो, तो 180 माइनस क्या 30 कर दें तो 150 हो गया, है ना, तो 180 माइनस 30 तो 150 हो गया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक बात है। अब यहाँ पर देखो, ये तो सबसे पहले तो हमने क्या कहा, ये किसके घर में पड़ेगा आप ये बताइए, ये घर किसका है, यहां पर ये घर किसका है, ये देखिए 150 है तो 150 मतलब ये वाला हो गया, 150 कहां पड़ेगा, यहीं पड़ेगा ना, ये साइन का घर है, कॉस का नहीं है, ये कॉस का नहीं है। तो यहां पर जो है सबसे पहले कॉस 30 तो होगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा साहब, निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। चूंकि ये घर किसका है, 150 आपका यहाँ आ रहा है, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा है, और ये घर किसका है, साइन का है, इसलिए ये निगेटिव हो गया। अब यहाँ 10225 जो हमने लिया था, 1045 यहाँ पर प्लस लिया था, इसलिए कि ये घर किसका था, ये 10 का था, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखिए माइनस कॉस 30 हो गया, तो कॉस 30 का वैल्यू बताइए कितना होता है, कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, और ये माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस रहेगा, बात समझ गए, कॉस 30 साइन 60 के बराबर होगा, और साइन 60 √3/2,
अब फिर यहां पर देखिए जैसे 10 to 40 है, अब इसको फिर करना है हमको, तो फिर बोलिए यहां पर अब इसको क्या करना है, 10 to 40 है, इसको फिर 180 में प्लस माइनस करना है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 180 क्या प्लस 60, ऐसा लिख सकते हैं इसको। फिर ये किसके घर में पड़ेगा जरा ये देखना, अब ये किसके घर में पड़ेगा, ये 180 प्लस 60 यहां पर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही, ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट है और ये तो 10 का ही घर है, ये किसका घर है, ये 10 का घर है, तो 10 का घर है तो ये कितना हो जाएगा, फिर 1060 हो गया, पहले तो 10 है तो ये 10 रहेगा और घर चूंकि 10 का ही है इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया फिर 1060, और 1060 का वैल्यू कितना होता है साहब, तो √3, 1060 का वैल्यू √3। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू इसका निकाल सकते हैं। अभी और भी वैल्यू पर हम बात कर रहे हैं, पहले ये चीज क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो जिनको लिखना है तो लिख लीजिए पहले, उसके बाद फिर आइए हम बात करते हैं और भी। फिर देखिए आइए कुछ और वैल्यू पर हम बात करें, जैसे अब जरा देखिए अगर हम निकालना चाहें साइन 300, अब ये 300 है तो ये किसके आसपास है, 180 के आसपास है, 360 के आसपास है, किसके आसपास है, अब ये चीज को देखना है। तो साइन 360 माइनस क्या 60 कर दें, 300 आ गया पहले, तो ये किस क्वाड्रेंट पे आया ये बताइए पहले, ये किस क्वाड्रेंट पे आया, यहां आया क्योंकि साइन 300 है, 300 है, ये किस क्वाड्रेंट में आया साहब, इसमें पड़ेगा, तो ये किसका घर है, ये किसका घर है, कॉस का घर है, बिल्कुल सही बात है, ये कॉस का घर है, तो जब ये कॉस का घर है तो इसमें यहां पर साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, पहले तो यहां पर हम साइन 60 लिख देंगे, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, साइन तो साइन, कॉस तो कॉस, इसमें कोई चेंज नहीं, तो सिर्फ चेंज होगा चिन्ह बदलेगा, प्लस या माइनस इस चीज को देखना और कुछ नहीं देखना आपको। तो यहां पर ये किसका घर है साहब, ये कॉस का घर है, तो इस वजह से ये निगेटिव होगा, फिर साइन 60 लेकिन निगेटिव, माइनस साइन 60 कितना साहब, √3/2, तो ये आपका आंसर हो गया, बात समझ गए क्लियर। फिर देखिए जैसे निकालना हो कॉस 330, कॉस 330 अब निकालना है, तो अब यहां पर इसको क्या करेंगे, कॉस फिर 360 के आसपास ले जाएंगे इसको, तो क्या करें हम, 360 में हम किसको घटा दें, 30 माइनस कर दें, 330 हो गया, 330 हो गया, तो अब यहां पर देखिए सबसे पहले हम कॉस 30 तो लिख ही देंगे, अब यहां घर देखना है ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 330 कहां आएगा साहब, यहां पर आएगा, फोर्थ में आएगा, ये किसका घर है, ये घर किसका, ये कॉस का है, बिल्कुल सही बात, ये किसका घर है, कॉस का है, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव होगा, है ना, और कॉस 30 √3/2, तो ये आपका आंसर पॉजिटिव क्लियर। फिर अब यहां पर देखिए जैसे अब वैल्यू हमको चाहिए, मान लो सपोज साइन 405, अब इसमें क्या करें जरा बताइए तो सब, 405 तो क्या करना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए, इसे 360 में प्लस माइनस करना, फिर तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 360 प्लस कितना 45, ये होगा ना, कोई दिक्कत इसमें, सही बात है। तो अब यहां पर देखिए ये किसके घर में पड़ेगा जरा देखिए, तो ये किसका घर है, ये किसका घर है, 360 प्लस 45, पहले तो यहां से हम जैसे चले तो 360 तो आ गया, तो 360 के बाद 45 और ऐड करना, यहां पर आएगा, तो इसमें क्या है, इसमें तो सारा पॉजिटिव है साहब, ये किसका घर है, ये तो सरकारी घर है, ये धर्मशाला है, इसमें सभी पॉजिटिव होगा, इसलिए इसमें तो सोचना ही नहीं, पहले तो साइन 45 लिख ही देना है, क्या बोले 180 में प्लस माइनस हो या 360 में प्लस माइनस हो, साइन है तो साइन होगा, कॉस है तो कॉस होगा, टेन है तो टेन होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ चिन्ह देखना है, और अगर अपने घर में है तो पॉजिटिव और दूसरे के घर में है तो
निगेटिव। अपने घर में है तो पॉजिटिव, और दूसरे के घर में है तो, और सरकारी घर में है तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है साहब, 1/√2, और पॉजिटिव वैल्यू, तो ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया। फिर जैसे देखिए, मान लीजिए अगर हम देते हैं आपको 10 300, ये निकालना है, तो फिर क्या करना होगा इसमें, 10 300 तो 360 में प्लस माइनस करेंगे हम, 10 300 तो 360 में क्या घटाएं, 60 घटा दें, नहीं तो 60 को घटा दें, 300 हो गया ना साहब। पहले तो 10 60 तो हो गया। अब यहाँ पर ये बताइए कि प्लस या माइनस, घर किसका है, किसका घर है, ये जो है इसमें पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये कॉस का घर है, किसका घर है, कॉस का घर है, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, तो -10 60 हो गया। आई बात समझ में, तो यहाँ पर ये -10 60 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू अब यहाँ पर बैठा देना, जैसे 10 60 का वैल्यू जो है ना √3, ये तो आपका आंसर हो गया। फिर देखिए, तो अब इस तरह से एक बार इसका सारांश फिर सुन लीजिए। हमने क्या कहा कि अगर 180 में प्लस माइनस हो या 360 में प्लस माइनस हो, तो कॉस है तो कॉस होगा, टेन है तो टेन होगा, साइन है तो साइन होगा, सिर्फ चिन्ह देखना है, ठीक है, चिन्ह देखना है कि क्या होगा। और अपने घर में है तो पॉजिटिव, दूसरे के घर में है तो निगेटिव, इस बात को जो है सो ध्यान में रखना है। आई बात समझ में। अब फिर देखिए, अब जैसे मान लीजिए कुछ जैसे हायर वैल्यू हो जाए, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा निकालना हो वैल्यू, जैसे मान लीजिए साइन निकालना हो 780, ये वैल्यू निकाल लो, तब जरा सोचिए कि इसमें क्या करें। तो देखो इसमें क्या करना है कि जैसे 780 का निकालना है तो 360 को 2 से गुना करिए तो कितना होता है, पहले 720 होता है ना, 360 गुना 2 720, और उसका तिगुना जो है वो 1080 होगा, 1080। तो यहां पर इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, देखिए तो जरा, 720 प्लस 60, इसमें कोई आपत्ति, तो 720 प्लस 60 इसमें कोई आपत्ति है। तो अब यहां पर देखिए साहब, ये समझ लीजिए, इसको समझना ये है कि ये समझिए 360 ही है, ये इसको क्या समझना है, 360 ही है, इसलिए कि 360 में भी ये यहीं पहुंचता है, और जब दो चक्कर लगा लेगा तो फिर 720 होगा, उसमें भी यहीं पहुंचेगा, तीन चक्कर लगा लेगा तो फिर जाकर के 1080 होगा, उसमें भी यहीं पहुंचेगा। तो ये समझ लीजिए कि दो चक्कर होगा, और थोड़ा समझने के लिए इसको 2 × 360 कर दीजिए, दो रोटेशन हो गया, तो सिर्फ यहाँ पर अब सीधा ये साइन 60 हो गया, और ये घर किसका है, दो चक्कर लगाने के बाद ये आ गया कहाँ, फिर यहाँ पर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें क्या होता है, सारा पॉजिटिव होगा, क्या होता है इसमें, सारा पॉजिटिव, ये तो सरकारी घर है तो साइन 60 हो गया, तो फिर यहाँ पर ये √3/2 इसका आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, ये समझ गए। तो इस तरह से हम लोग हायर वैल्यू भी जो हो वो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। जैसे देखिए मान लीजिए अगर हमको फिर 10 720 निकालना हो, 720 जैसे मान लीजिए एग्जैक्ट अगर आ जाए ऐसा, तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो 10 2 × 720 आप प्लस माइनस क्या करेंगे, इसमें जीरो करेंगे, प्लस जीरो कर दीजिए, प्लस जीरो, ये भी तो सरकारी घर है ना, ये सीधा हो जाएगा इसमें 10 0 10 0, तो 10 0 क्या होता है, जीरो, इसलिए कि 10 0 क्या होगा, जीरो होगा, कैसे होगा, ऐसा मन में हो तो साइन 0 / cos 0, साइन 0 0 तो ऊपर 0 हो गया तो 0 हो गया, नीचे तो 1 ही आएगा इसमें, तो 10 0 0 इसको डायरेक्ट याद रखिए। तो इस तरह से अगर 0 भी आए तो इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है, इसको भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर देखिए, इस तरह से अगर कोई भी हायर वैल्यू भी होता है तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो ये हायर वैल्यू के लिए समझ गए,
हालांकि आए हायर वैल्यू का काम फिजिक्स में बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है ना। फिर देखिए जैसे अब सिंपल जैसे निकालना हमको कॉस 180 कितना होगा, कॉस 180 जैसे इसमें जीरो प्लस माइनस वाला, तो इसको ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, कॉस 180 प्लस जीरो कर दीजिए, कॉस 180 प्लस जीरो कर देते हैं। अब बोले तो साहब सबसे पहले तो यहाँ पर कॉस है 180 में प्लस माइनस करने से कॉस का कॉस ही होगा, ये जीरो। अब सवाल है कि किस क्वाड्रेंट में होगा, आपका यहाँ पर केस बन सकता है जैसे ये किस क्वाड्रेंट में होगा, 180 है हम प्लस जीरो लिए हैं तो 180 के बाद अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो वो इधर आएगा और ये 10 का घर होगा, तो 10 का घर होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोले साहब कुछ भी जोड़ेंगे तो इसमें आएगा और ये 10 का घर होगा तो ये माइनस हो गया, माइनस कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है 1, तो इसका वैल्यू माइनस 1, ये इसका आंसर हो गया। फिर आपकी इच्छा हो सकती है यहाँ पर एक केस बन सकता है कि यहाँ पर सर प्लस जीरो क्यों लिए, हम यहाँ पर इसको माइनस जीरो भी ले सकते हैं, तो ले सकते हैं आप माइनस जीरो करके देखिए, तो कॉस 180 माइनस जीरो, तो कॉस 180 में अगर हम कुछ भी घटाएंगे तो वो इधर और ये साइन का घर है तो फिर तो कॉस ऑलरेडी नेगेटिव आ गया, तो चाहे आप प्लस जीरो लें या माइनस जीरो लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में, मन में हो सकता है आपके, तो यहाँ पर आप प्लस जीरो भी ले सकते हैं माइनस जीरो भी ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, ठीक है। फिर जैसे आपके मन में देखिए, जैसे साइन 180 का वैल्यू, ज्यादातर ये सब काम पड़ता है आपको साइन 180, तो सबसे पहले तो साइन 180 आप प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, जो इच्छा हो दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो सबसे पहले तो यहां पर साइन जीरो हो गया, अब ये घर किसका होगा जरा देखिए, तो साइन 180 जब 180 में हम लोग यहां पहुंच गए थोड़ा सा भी जोड़ेंगे तो इधर आएगा, मान लीजिए ये किसका घर है साहब 10 का, ये घर हो गया 10 का, लेकिन साइन यहां पर जीरो, तो माइनस लेने से क्या फर्क पड़ेगा, साइन जीरो होता कितना है जीरो, तो चाहे माइनस जीरो लीजिए या प्लस जीरो लीजिए तो जीरो होगा, चाहे माइनस जीरो हो या प्लस जीरो, इसलिए दोनों केस आपका बन सकता है और दोनों सही है। इसलिए यहां पर अगर आप मान लीजिए मन में हो नहीं हम माइनस लेंगे तो लीजिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं लीजिए, देखिए क्या होता है माइनस लेते हैं तो माइनस लीजिए पहले, तो माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 180 तो आपका यहां तक आया और माइनस कुछ भी करेंगे तो वो इधर जाएगा, मतलब साइन का घर हो गया, साइन का घर हो गया जैसे, तो ये नेगेटिव साइन आपका हट जाएगा तो सिर्फ आ गया आपका साइन जीरो, तो साइन जीरो भी क्या हो गया जीरो, ये नेगेटिव साइन हट गया पॉजिटिव हो गया, तो जब जीरो है तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात समझ में आया। तो इसलिए इतना के बाद जो है आराम से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं और फिजिक्स में इससे ज़्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, पूरा फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरी बात, जो भी बच्चे हमारे सब्सक्राइबर हैं या नहीं हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको एक बार पढ़ के बढ़िया से लिख करके भेजिए, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं दोनों स्थिति में, ये सबके लिए बिल्कुल वेलकम है, आप उसको लिख करके आप भेजिए हमारे व्हाट्सएप पर, हम उसको चेक करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631553390 9631553390, आप इस पर भेजिए और ये एवरीडे का वर्क है, जो भी हम बताएंगे तो आप उसको लिख करके भेजें, हम उसको देखेंगे। हमारा चैनल इनोवेशन फिजिक्स बाय RK जेसर, थैंक यू।